हुआ पीर के नहीं नहीं उन्हें दस्या मिलो अंग्रेजी बंदा नहीं वो तो पता लग गया से। और अभी छोटा बच्चा ही है, 23 महीने है उम्र। अच्छा 23 महीने का है, 23। और इसकी मदर मिल्क रिकॉर्ड 16 लीटर। अच्छा 16 लीटर मदर मिल्क रिकॉर्ड। सादे जी पठिया दी है, सादे नॉर्मल करे अपने घरे ही है मदर दी। अच्छा नॉर्मल है। दूध कितना दिया उसने? 16 लीटर। अच्छा 16 लीटर ये। और ये नीली रावी में है ये ना, और ये फर्स्ट विनर रहा है। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। आप रहने वाले कहाँ के हो? है सब पिंड सा कलकला है, मोगा के बिल्कुल साथ में ही है। अच्छा पंजाब से ही हो आप? काशी मोगा ही। और उम्र इसकी 23 महीने है। हाँ बस 2 साल। 23। अच्छा इस लाइन में ये सबसे टॉप है अभी, विनर रहा है तो फर्स्ट आगे आई है। और दोस्तों देख लीजिए कि मदर मिल्क रिकॉर्ड है, 16 लीटर है, और नीली रावी के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल कोई कमी नहीं है इसकी। इसका पेस देखिए, देखो बिल्कुल, और पूरा मुंह सफ़ेद है इसका। वैसे कई बार क्या थोड़ा बहुत ये मुंह के ऊपर सफ़ेद सा होता है, आँखें दोनों सफ़ेद है, और सिर इसका सफ़ेद है, और पैर है ना वो दोनों सफ़ेद है। हाँ जी, मगर ये देखिए इसके पैर सफ़ेद है, और नीचे से भी है सफ़ेद, और इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो भी सफ़ेद है। ये नीली रावी की पहचान होती है, और खूबसूरती आपको पता है देखते ही बन रही है, कोई कमी नहीं है इसमें, बिल्कुल शानदार ब्यूटी नज़र आ रहा है। एक बार देख के आप बताइए दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये। और किसी लिहाज से कोई कमी नहीं है, जो एक नीली रावी के अंदर जो करेक्टर्स होनी चाहिए कि इसके जो पैर है वो सफ़ेद है, पूंछ सफ़ेद होनी चाहिए, इसका सिर सफ़ेद, और सींग भी उसी प्रकार से है। और ये फर्स्ट विनर रहा है। और नाम क्या है इसका? गब्बर इसका नाम है। नाम गब्बर इसका नाम है। इक्के मुंडे ने गब्बर ही रखा जी। अच्छा गब्बर, गब्बर सही। पंजाब के अंदर गब्बर आया, हिंदुस्तान में ये गब्बर, क्या बात है। नाम इसका गब्बर है, और काम भी इसका गब्बर की तरह ही होगा। निक्के मुंडे ने रखा ही था, शर्म मानदी भी जो जितिया उदो रखा। तो नाम कैसे रखा आपने इसे गब्बर का? छोटे भाई ने रखा। अच्छा छोटे भाई ने नाम रखा गब्बर, तो गब्बर की तरह गुस्सा भी है, देखो आंखें से लग रहा है, कहीं डर लग रहा है मुझे। तो दोस्तों ये गब्बर नाम है, और गब्बर की तरह इसका काम है। 16 के बाद में फिर याद आ गया गब्बर का नाम सुनते ही। तो बसंती भी मिली नहीं मिली इसको? दो महीने हो गए, 4 तारीख को महंगा भी स्वार्थ गया। अच्छा अच्छा क्रॉस करवा दिया? क्रॉस करा दिए बसंती से। पहली पहली माजे दी 4 तारीख को, 2 महीने हो जाने सवारी। अच्छा 2 महीने। तो ब्रीडिंग लाइन कैसी इसकी, बच्चे कैसे? अभी बच्चे भी आएंगे? बच्चे नहीं। अच्छा पहली बार ही क्रॉस करो? करोना नहीं, 3 साल तो कट, 1 महीना हुआ है अभी। अच्छा 1 महीना क्रॉस करवाया इसका? नहीं 2 महीने हो जाए, 4 महीने। अच्छा 2 महीने। माँ का कितना दूध है? 16-17 लीटर दूध बता रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत है ये, मुझे बताइए कि जो अपने नीली रावी होती है उसकी पहचान ज्यादा कैसे कैसे होती है इसका? अब जैसे इसमें पूरा मुंह सफेद है इसका ना, पूरा सिर सफेद है इसका, आंखें सफेद है, और अच्छा दोनों पैर, और आगे वाले पैर किलोमीटर है 2 महीने। आखिर दोस्तों मिल गया पंजाब के इस मेले में गब्बर, और बसंती भी अभी 1 महीने पहले मिली है। तो बसंती को लेके नहीं आए? पहली बार आए हैं कंपटीशन में भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरो जयबीरू भी लग रहे हैं इसके पीछे? बहुत ही शानदार भैंस है। कंपटीशन में पहली बार ही आए हैं? अरे कंपटीशन पहली बार आए और पहली बार ही विनर हो गया है, कमाल है, बहुत गजब बात। थैंक्स। मंडी जाए बहुत सारे ने क्या। तो आप मुझे बताइए रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले मोगा के हैं, कलकला मोगा के। मालिक का क्या नाम है? कैसे? हरजीत सिंह। और कोई आपसे मिलना चाहे तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर बताइए? 9645 4 54 इंग्लिश में बताइए? 9646571154। तो आपके पास इसके जैसे और भी भैंसे होगी? पशु काफी है, पर ये फर्स्ट ही हम कंपटीशन में लेके नहीं आप लेके आए फर्स्ट, जैसे नीली रावी की भैंसे और भी है क्या आपके पास? हाँ जी है, मुर्रा की भी है, नीली रावी की भी है। अच्छा दोनों कंपटीशन में पहले कभी नहीं आए। तो ये मुर्रा और ये जो नीली रावी है इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है?
सब अपनी जगह है। तो पंजाब की मेन ब्रीड कौन सी, यही है क्या नीली रावी? क्या हरियाणा को तो मुर्रा की बोलते हैं, भी है ये भी है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। इसका नीली रावी जहाँ से स्टार्ट हुई वो तो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई है। और ये कहाँ से, इंडिया से? ये तो इंडिया सीमड़ी ऐसी साढ़े जनी मोरा कहते हैं, हरियाणा से स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान से स्टार्ट हुई। मोरा बहुत काट। अच्छा, वो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई है या इंडिया की है नीली रावी? यही पाकिस्तान की असली नस्ल ये है। अच्छा, पाकिस्तान की असली नस्ल है ये मुर्रा, जैसे हरियाणा की है ना, हरियाणा से स्टार्ट हुई है। ये है पाकिस्तान से। ऐसे अच्छे नस्ल काफी वहाँ मिल जाएगी आपको पाकिस्तान में, लेकिन ये पूरी उस प्रकार से प्योर ब्रीड में है ना, तभी तो विनर दिया है। देखो ये लगा हुआ है। इनाम कितनी है, इनाम का मालूम चला है? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, इनाम का कोई मालूम नहीं चला, नाम फिर भी इनाम तो ट्रैक्टर वगैरह बता रखे हैं। नहीं नहीं, वो तो बताएंगे ना, कल बताएंगे। वो तो मिल्किंग वाली बैसे का ट्रैक्टर तो। अच्छा, ट्रैक्टर तो दो ट्रैक्टर एक टेम्पू है। इसका कुछ नहीं पता, अभी हमें भी नहीं पता, नहीं पता की है।